इसलिए अगर जो मुझे कह रहा है तुम मारा तो इसलिए मैं तुम्हें मार के तुम्हारा मुंह तोड़ देता। फोन छीना मुझे आदमी, मुझे बदतमीजी से कह रहा है कि मैंने पूछा है उसने कि तुमने किया क्या, अगर तुम हमारे घरों में घुस रही सब कुछ कर रहे हो तो आगे से कहते हैं तुझे नहीं पता यहाँ, तुझे नहीं पता अगर तेरे खामद को तेरा लॉ एंड ऑर्डर का पता था तो यहाँ से कहाँ भाग गया। रेहान बिन जावेद साहब आपको पकड़ने के लिए आए थे तो उन्होंने आके हम पे बदतमीजी की है, तशद्दुद की है, इतना मुझे मार के इतने बुरे तरीके से मेरी बेटी को, मेरी बेटी को इतने बुरे तरीके से थप्पड़ मारा है, इतने बुरे तरीके से फोन किया और आपके साथ ये सब दिल्ली जो कर रहे थे ये मर्द पुलिस ऑफिसर ने किया है। और वो आगे झपका है मुझे मारने के लिए कि बीबी अगर तू औरत ना होती तो मैं तेरा भी मुंह तोड़ देता, यहाँ पे हम सिर्फ तेरा औरत होने का लिहाज कर रहे हैं। मैंने उसे कहा अगर तू मैं औरत ना होती तो क्या तू मुझे मार देता यहाँ पे खड़े होकर, तू क्या कर सकता है ज्यादा ज्यादा, गोली चलाना चाहता है चला दे और क्या कर लेगा तू। टेबल गार्ड हूँ जिसने मुझे मेरी माँ बहन की गाली निकाली, मैं इसको बोल रहा हूँ मैं एक शहीद का बेटा हूँ ठीक है, इस कहता तेरे शहीद की भी ऐसी दिता थी, इसने मुझे ये देखो ये निशान पड़े हुए चपेटों के साथ ये, इसका क्या कसूर था ये इसको मार रहे हैं ये, चलो मुझे मार देता मुझे टेंशन नहीं, मेरे बाप को शहीद को क्यों इसने गाली निकाली, इसने इसका ये देखें रात के इस टाइम ये आए हैं, बच्चे सोए हुए हैं और मैंने कहा है कि मुसर्रत और जमशेद साहब नहीं है घर पे, तो ये कोई तरीका नहीं है रात के इस टाइम जो है वो औरतों को और बच्चों को इस तरह से हरासा कर रहे हैं। मैंने कहा है कि तलाशी ले लें, वो लोग नहीं हैं तो छोटे बच्चे हैं, 8 साल का एक 9 साल का है, तो ये देखें ये मतलब ये कोई तरीका नहीं है। मियां महमूद रशीद मौजूद थे, यास्मीन राशिद मौजूद, मुझे किसी का पता नहीं है। अच्छा क्या हुआ क्या है आपको किस चीज़ का? मुझे तो अपना पता, इन्होंने आके मेरा दरवाजा जोर जोर से, इनको क्या जरूरत थी कब मेरे घर के अंदर आने, अंदर दाखिल हुए? हाँ जी अंदर दाखिल होके लाउंज में फिर बेडरूमों में गए हैं, तीनों चारों में से मेरा दरवाजा जोर जोर से जब किया मैं तो एकदम से डर गई। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी शराफत दिखाएं, ये तो नहीं ना है अपना। मैडम कुछ फिजिकली डॉक्टर सर आज मैं नासरा इकबाल जज रिटायर्ड बोल रही हूँ, मेरा घर है क्या मेन बुलेवार्ड के ऊपर काले रंग का उसका गेट है। अभी रात को 2 बजे पुलिस वाले पुलिस वैन में डाले में आए हैं 8 बंदे और वो मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ है, फिर उन्होंने डाला मारा मेरा गेट तोड़ दिया और अंदर आए हैं देखने के लिए कि जी वलीद इकबाल है या नहीं, ना उनके पास कोई वारंट ना उसने कोई जुर्म किया ना कोई लेनी ना देनी, और ये भी अल्लाह का मेहरबानी है कि वो तो घर में है ही नहीं, वो इस शहर में नहीं ना या वहाँ रहता है, वो तो आपको पता है कि इस्लामाबाद में होता है। अच्छा वो बार बार वो जो बार गार्ड है बेचारा वो भी हमारा बिल्कुल नहीं कमज़ोर सा है, उसको भी पकड़ लिया और उसको रखा हुआ था अपने कब्जे में और बाकी जो मुलाजम थे जो भी उनको भी जगाया, उनको कहा कि ये खोलो दरवाजे अपने अंदर जाने, कोई दरवाज़ा नहीं खुला, फिर थोड़ी देर के बाद उनको ये समझ आ गई कि वो तो यहाँ है ही, फिर वो चले गए। लेकिन ये तो तरीका नहीं है कि मेरे जैसा बंदा जो है जो बिल्कुल कोई आज तक मैंने कानून नहीं तोड़ा, कानून के मुहाफिज़ है हम लोग, हमारे घर के अंदर दाखिल हो जाए और वो भी बगैर इजाज़त के आए और गेट तोड़ के आए, ये किसी जो है माशरा तहजीब वाला उसमें ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि दुरुस्त राष्ट्र में होता ये वहाँ होता जहाँ डाकुओं का राज है। तो मेहरबानी करके ये बताइएगा किस तरह के आजकल हालात है और ये कौन कर, हमें तो इतना पता है कि पुलिस की वर्दी में थे 8 बंदे थे, एक थानेदार था और बाकी मुहर्रर वगैरह उसके साथ जो भी होते हैं वो सब पकड़ के आए हैं और इधर उधर घर में तलाशी लेते रहे हैं और बावजूद इसके कि उन्होंने लिए तलाशी अंदर दाखिल नहीं हो सकते, दरवाजे हमारे पुराने हैं पक्के मजबूत किस्म के जो खुल ही नहीं सकते, तो बावजूद इसके कि उन्होंने बतेरा ठोकर ठाकी की है घर के अंदर लकड़ी के दरवाजे नहीं खुले, गेट अलबत्ता हमारा तो बहुत शुक्रिया।